ने भी क्यों आपको पता दुकान पे जा रहे थे तो मेरे को भी लेने हैं और अभी दिलाए थे उसको, ये बच्चों के लिए लेके आए हम आइसक्रीम, ये देखो। तो जी फाइनली बच्चे चले गए स्कूल, उनके पापा के ड्यूटी, और अभी जो है मैं निपटाऊंगी काम, किचन का मेरा सारा कंप्लीट हो गया है, ये देखो ये सब कंप्लीट मैंने कर दिया किचन का, और अभी मैं करूंगी झाड़ू पोछा। और आज मैं पोछा ना हाथ के साथ लगाऊंगी, पता है क्यों? क्योंकि कई दिन से तबीयत थी मेरी ख़राब, और चिकू के पापा की भी तबीयत थोड़ी डाउन सी चल रही थी, तो इसलिए ना हम घूमने नहीं जा पा रहे थे, तो एक्सरसाइज भी हो जाएगी और घर की सफाई भी हो जाएगी, तो इसलिए आज हम लगाएंगे बैठ के हाथ के साथ पोछा, और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे लगाऊंगी। ओके, एक बात मुझे आप सबको बोलनी है, आज जो भी काम करो पूरी शिद्दत से करो, कामयाबी है जो अपने आप आपके पास चल के आएगी। आज के टाइम में ना डीमोटिवेट करने वाले बहुत ही ज़्यादा लोग होते हैं, मोटिवेट करने वाले बहुत कम होते हैं। जैसे कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो ना, चाहे जो भी है उसको पूरी शिद्दत से करो, मेहनत से करो, मेहनत रंग एक ना एक दिन लेके आएगी ज़रूर। जब मैंने शुरू किया था ना, जीरो से स्टार्टिंग की थी मैंने, तो मेरे को नहीं पता था आप लोगों का इतना प्यार मेरे को मिलेगा। 2 लाख व्यू मेरे हो गए हैं चैनल पर, और मतलब कि सब्सक्राइब भी आप लोगों के आशीर्वाद से आ ही जाएंगे जब आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करो मेरे चैनल को, ताकि मैं आगे मतलब मेरा भी इंटरेस्ट बढ़े और मेहनत करूं मैं वीडियो बनाने के लिए, और टॉपिक भी मेरे को थोड़ा बताने की कोशिश किया करो, कमेंट किया करो मेरे व्लॉग में, अगर कोई देखता है तो आप कहाँ से हो मुझे पता लगना चाहिए ना मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच गया, तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके जी, और ये मेरा काम हो रहा है, ये मैंने लगा दिया है पोछा, अभी बच्चे तो गए हैं स्कूल, वो लेट आएंगे इसलिए। और एक बात और मुझे अपनी माता बहनों को बोलनी है, जो मेरे जैसी हेल्दी हैं, पता है क्या है, बैठ के पोछा लगाने से वेट भी कम होता है, तो प्लीज़ बैठ के पोछा लगाने की कोशिश किया करें। तो जी फाइनली काम जो है मेरा हो गया है डन, और झाड़ू पोछा बर्तन सब मैंने कर दिए हैं, देखो ये घर है ना, घरों में सफाई तो मर जाएंगे, जिंदगी पर ऐसे चलती रहेगी। और ये है कंबल पड़ा है यहाँ पे भी, मैं थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, और धुले कपड़े हैं इनको डाल के आएंगे बाहर। और ये देखो ये पड़े हैं जी प्रेस वाले कपड़े, अभी इनको प्रेस भी करना है, मैंने 2 दिन कपड़े वॉश नहीं किए थे, इतने सारे हो गए थे, पूरी कुर्सी भर गई थी, तो इनको भी करेंगे हम प्रेस थोड़ी देर में, बट अभी मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, अभी सुबह ही लगी हुई हूँ मैं, टाइम भी नहीं मैंने देखा क्या हो गया। और ये मेरी मशीन, मैंने वॉश कपड़े वॉश करके कर दी है पैक, ये देखो, और सब आज मैंने क्लीन कर दिया है बहुत अच्छे से। ये है मेरा पीछे का पोर्शन देखो, और बच्चे आएंगे 2 बजे स्कूल से, उनके पापा का आने का टाइम हो गया है, इसलिए अभी बनाएंगे खाना। खाने में बनाऊंगी आज मैं दाल, जो कि मैंने ऑलरेडी चढ़ा दी है, मैं नहाने गई थी, नहाने से पहले मैंने तड़का लगा दिया था, गैस को कर दिया था मैंने कम, इसलिए दाल है जो वो बन चुकी है, मेरे काम में जो फिनिश हो चुकी है, अभी मैं करूँगी व्लॉग की एडिटिंग। ओके, और जिस किसी को भी मेरा व्लॉग पसंद आता है ना, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दिया करो, जिस भी किसी टॉपिक पे आप लोग चाहते हो ना भी हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है, क्योंकि नई व्लॉगिंग शुरू की है, तो इसलिए थोड़ा सा अभी ढीला हाथ है मेरा, मतलब बोलने में भी मेरे को नहीं पता मैं कैसे बोलती हूँ कैसे नहीं, वो आप लोग देखो और बताओ मेरे को, ठीक है, थैंक यू सो मच। कपड़े वॉश, ये हमारी टंकी है, अभी इसमें दाने हम डालेंगे लेकिन नहीं आए अभी, और ये देखो ये कपड़े वॉश मैंने कर दिए, ये बाहर का पोर्शन है, देखो पेटी वगैरह सब कुछ, चलो ठीक है मिलते हैं लंच बनाने के बाद। कौन है? अच्छा तो ये आ गए जी डॉक्टर साहब, दूध वाला परेशान हो के आते है ना, तड़की लेके गया था नहीं,
अभी डीपी से आए हैं, अब इनके पास फोन आ गया और ये देखो फोन में लगे पड़े हैं, बिजी हो गए फोन में बस। ठीक है अभी बात करेंगे। और आज तो शुक्र आते सर कपड़े नहीं निकाल के फेंके, नहीं आएंगे आते सर। गर्मी 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 गर्मी। तो चलो जी दूध लेके आए, खराब हो जाएगा और इनको देते हैं अभी चाय पानी। तो जी काम वाम निपटा के हम आ गए हैं मार्केट में। मार्केट में कुछ शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, अभी दिखाएंगे आपको जहाँ भी शॉप पे हम जो सामान लेंगे। और ये है जी यहाँ की बड़ी मार्केट क्षेत्रा की, और बहुत सुंदर सुंदर सूट्स वगैरह बहुत जो भी सामान आपको लेना मिल जाएगा। देखो ये फुल व्यू है इसका मार्केट का। तो चलो आगे, ये देखो जी ये डॉक्टर साहब अभी देख रहे हैं, पता नहीं अभी पसंद आएगी नहीं भी आएगी, अभी भैया दिखा रहे हैं। और ये मैं बैठी हुई इधर, और अभी देखते हैं अगर पसंद आता है कुछ तो। ये है पूरी दुकान का व्यू। एक्चुअली पता क्या है, हम लेने आए हैं मिक्सर जूसर, आपको दिखाया था ना मैंने पिछली वीडियो में कि जॉइंट फैमिली थी पहले, तो एक ही था हमारे पास, जॉइंट थे हम, इसलिए अभी मैं अलग हो गई हूँ, ऊपर शिफ्ट हो गई हूँ, तो इसलिए अभी हमको अलग से लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर परेशान हो जाते हैं ना एक के। जो ये दुकान है ना जिसपे हम आए हुए हैं, ये फेमस दुकान है कुरुक्षेत्रा की, मतलब कि ये जो है रोनकी के नाम से फेमस है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन नहीं, ये मशीनें हैं जो सिलाई मशीन मिलती हैं। और ये देखो पंखे वगैरह और भी जूसर मिक्सर जो भी मतलब आपको लेना है, बहुत अच्छा अच्छा सामान बेचते हैं ये भैया, बहुत अच्छा सामान रखते हैं। हम यहीं से लेके जाते हैं, मेरी मशीन ख़राब हो जाती है तो हम यहीं से ठीक करवा के लेके जाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं ये लोग, बहुत ही अच्छा। देखो बहुत ही सॉफ्ट चल रही है ये मशीन, बहुत सॉफ्ट चल रही है। तो ना फाइनली हम जा रहे हैं वापस दुकान के बाहर, क्योंकि हमें कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आया, बहुत महंगा महंगा बोल रहे थे कि भैया हमने बहुत कोशिश की थोड़ा कम कर लो, बट ये लोग कम करने को तैयार नहीं थे, तो इसलिए हमने नहीं लिया। बाकी देखते हैं अभी किसी और शॉप पर जाके ट्राई करते हैं, नहीं तो फिर ऑनलाइन तो मंगवाना है ही है। तो चलो जी चलते हैं अभी मार्केट में और दिखाती हूँ आपको मार्केट का व्यू। ओके, और ये जो रोनकी की दुकान के आगे है ना वहाँ का व्यू है, देखो ये सुनार बैठे इधर, देखो देखो देखो। तो जी हमने डिसीजन लिया है, हम मिक्सर जूसर नहीं लेंगे, उसकी जगह हम लेंगे अपने लिए सैंडल। और ये देखो ये हम आ गए हैं शूज़ सैंडल की दुकान पे, और इनको पसंद नहीं आ रहे हैं अभी, दो तीन जोड़ी भैया ने दिखा दिया है, अभी देखते हैं अगर कोई पसंद आता है तो। देखो एक ये डिज़ाइन देखा था और नहीं पसंद आया, एक ये डिज़ाइन देखा था ये भी इनको पसंद नहीं आया, अभी देखते हैं क्या निकाल के बोल रहे हैं वो, कुछ और दिखा। कब के बैठे हुए हैं वो भैया, गए थे उधर गोदाम में से लेने के लिए बट अब तक नहीं आए हैं, अभी देखते हैं अगर पसंद आएगा तो जरूर लेके जाएंगे। लो जी पहले ही काटो, नहीं वो आ गया पसंद, ब्लैक ही लोगे ज्यादा, ब्लैक क्यों भी गया नीचे वाला जो ब्लैक ले लो इस कलर का। तो जी मार्केट से हम आ गए हैं, और जो हमें लेना था मिक्सर जूसर ग्राइंडर वो मेरे को पसंद नहीं आया, समझ में नहीं आया, हमें बहुत महंगे महंगे बोल रहे थे, इसलिए हम ऑनलाइन देखेंगे। और तो इनके पैसे तो मेरे को लगवाने थे फिर। तो ये देखो क्या क्या लेके आए आज हम। तो जी ये आए थे हमें इनके लिए पसंद, कैसे लगे आपको? बढ़िया है। ओके, ये इनको पसंद आ गए थे तो मैंने बोला चलो ले लो, ऑफिस में सही है यार, फंकी से नहीं है मतलब ये सिंपल से है। क्या प्राइस है इनका, प्राइस तो बता दो ना। प्राइस ये 500 रुपए की थी। कम नहीं करवाया आपने? सारे दे ऐसे दे दिए, 500 दे दिए, फ्लाइट के है ना, कंपनी के है, लक्स के है ना। और अब आ गई मेरे वालों की बारी। ये है जी मेरे, देखो ये मेरे है, ब्लैक कलर में मेरे को पसंद आए थे, बताना कमेंट में किसके ज्यादा सुंदर है। तेरे ही होंगे। अच्छा तेरे सस्ते हैं ना इसलिए तेरे सुंदर होंगे। हैं मेरे कितने के हैं? तेरे 250 के हैं। चलो कोई ना, हम इतने में ही खुश है, 250 भी 2000 जैसे हैं मेरे तो, बहुत प्यारे हैं बाकी सेंटर। इसका तो मेरा जमात जी दुखी कर लिया है ना, तो तोरी
ये देखो ये लेके आए हम, इतने प्यारे प्यारे दो जोड़ी सैंडल की। तो जी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आज मैं बना रही हूँ, शाम का टाइम हो गया, रात के अब 9 बज गए हैं और 9 बजे मेरे को बनाने हैं करेले, क्योंकि सुबह की तैयारी है जो मैं अभी रात को बिल्कुल करके रख देती हूँ, सुबह स्कूल जाएंगे तो करेले सुबह मेरे से नहीं बन पाएंगे, इसलिए मैं अभी बना के रखूँगी। और ये देखो जी ये तेल मेरा गर्म हो चुका है, अंधेरा क्यों आ रहा है ये। करेले मैंने दोपहर को छील के रख दिए थे, क्योंकि लेट इसलिए हो गया क्योंकि हम मार्केट चले गए थे ना, इसलिए देखिए इतने सारे करेले मैं अभी बनाऊंगी और दिखाती हूँ आपको करेले बनाने के बाद। ओके क्या जा रहा दर्द, क्यों क्या हो गया दिखाओ एक बार मेरे को। रात का टाइम जो है वो हो गया बहुत लेट आज तो मार्केट जाने की वजह से इसलिए, और ये देखो इसके मुंह में छाला हो गया है, तो सारा दिन दुकान की चीजें खाता है ना, इसलिए देखो बहुत ज्यादा हो गया इसके मुंह में। चलो दुआई दुई देते हैं इसको, व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि अभी मेरे को खाना भी बनाना है, सबको देना भी, और व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए बाय गुड नाइट।